हम बात कर रहे हैं NBCC की। अगर लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो हमको 1% के ऊपर की गिरावट के साथ इसमें क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। और हम देख सकते हैं स्टॉक कुछ दिनों से इसी लेवल पर काम करते नज़र आ रहा है। 64 से 70 के बिटवीन हमको इस रेंज में हमको कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है। और हमने डिस्कस किया था कि 70 के लेवल को ब्रेकआउट कर सकता है, इसके चांसेस पूरे पूरे बन रहे हैं। क्योंकि ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव है, इस लेवल से एक जंप देखने के लिए मिला है और इस जंप के बाद स्टॉक इसी रेंज में सस्टेन हो रहा है। और स्टॉक ने जहां हमको क्लोजिंग दिखाई है इसका सपोर्ट जोन ही है। 64 का लेवल इसका सपोर्ट जोन है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। हम देख सकते हैं कि इसी लेवल से हमको 70 तक के टारगेट देखने के लिए मिले थे, इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और इसी लेवल को ब्रेकआउट करके हमको तेज़ी देखने के लिए मिली थी। अगर 64 के लेवल को ब्रेकडाउन कर गया तो ऐसे सिचुएशन में हमको 60 तक का भी फॉल देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन ब्रेकडाउन होना मुश्किल नज़र आ रहा है क्योंकि मार्केट में भी हमने तेज़ी देखी है, मार्केट में गिरावट के बाद रिकवरी दिखाई है। और स्टॉक जो है NBCC इसी रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है तो यहाँ ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। हमको सेलिंग प्रेशर यहाँ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। और पूरा सेक्टर ही भाग रहा है तो NBCC में ब्रेकआउट के पूरे पूरे चांस बन सकते हैं। यहाँ हमको किसी भी वक्त बड़ा जंप देखने के लिए मिल सकता है। 64 के लेवल को रिटेस्ट करके स्टॉक बाउंस बैक हो सकता है और इस बाउंस बैक के साथ स्टॉक अपने 70 के लेवल को ब्रेकआउट दे सकता है। और जैसे ही 70 के लेवल को ब्रेकआउट देगा तो फिर उसके बाद यहाँ बने रहना है, बेचने की गलती नहीं करनी है। उसके बाद हमको 80 तक के टारगेट इजीली शॉर्ट टर्म में ही देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ हमको किसी भी वक्त बड़ी बाइंग देखने के लिए मिल सकती है, होल्ड करके चलना बेहतर रहेगा।